देखिए, सुबह सुबह आपको गीली सड़क मिल रही है और स्लिपरी भी हो रहा है क्योंकि बारिश हुई है रात को, या अभी हुई है शायद। ये सब डिलीवरी के लिए आ जाते हैं सुबह सुबह, एक दिन पहले बुक हो जाता है ग्रॉसरी आइटम एंड देन डिलीवरी करने आ जाते हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। अभी आज का जो मौसम है उसमें तो बारिश हुई है काफ़ी, ऐसा लग रहा है पूरा सड़क और थोड़ी गीली हो गई है, बादल भी दिख रहे हैं। तो अभी ये सिलसिला मुंबई में चालू हो जाएगा एंड दिस इज़ द बेस्ट वेदर, नो नॉट बाय वेदर, दिस इज द बेस्ट सीजन विच एनीबडी कैन एन्जॉय इन मुंबई, मुंबई रेंज। और ऐसे मौसम में आप बिना शूट के हुए रह ही नहीं सकते हो, इतना मस्त लग रहा है। अभी धूप भी आ रही है, बारिश भी है, ठंडा सा भी हल्का सा, बेस्ट मौसम है इस टाइम, और वो भी ख़ास तौर से सुबह सुबह। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बरसात की वजह से, मतलब पेड़ों की वजह से बारिश हुई नहीं है, सूखा है यहाँ पे। उधर थोड़ा सा गीला लग रहा है और स्लिपरी कर रहे हैं, जूते स्लिप क्यों कर रहे पता नहीं। तो डेली वॉक करके मैं इधर हाथ जोड़ने के लिए आता हूँ, एक रूटीन बनाया, अच्छा लगता है। सुबह सुबह आओ, हाथ जोड़ो। सो आज जो है धूप निकल गई क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया, और लेट हो गया तो धूप तो आनी जायज़ ही है। चाय भी ले जाना भूल गया और बच्चे लोग अभी सो रहे होंगे। मॉर्निंग रैम्बो, रैम्बो भी उठ गया, अभी उठ रहा है क्या? सुसु किया? जाओ सुसु, सुसु सुसु करो। कर लिया। बहुत दिन से प्लान हो रहा है स्विमिंग पूल जाने का, लेकिन प्लान बन ही रहा है, बन ही नहीं पा रहा है, देखते हैं। और यहाँ से देखो पूरा गीला लग रहा है, कोट वोट सारा गीला लग रहा है, बारिश तो ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन अब नहीं दिख रही बारिश, अभी धूप निकल गई है। और स्विमिंग पूल का भी प्लान बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे, लेकिन सैटरडे संडे ऐसा आता है कि ऑलरेडी टाइम फिक्स हो जाता है, आपके पास कोई टाइम ही नहीं बचता है। आना रैम्बो, सही बोला ना? अब ये यहाँ पे बैठेगा और अपनी धूप सेकेगा, और ये बाहर आके क्या करता है, ये अपना सूंघता है, उसके बाद ये देखो अभी तो नहीं बैठा लेकिन दिन में बैठेगा ज़रूर। तो आज हमारे नाश्ते में बनी है मीठा रोटी, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, छोला रोटी। हाँ, छोला रोट उत्तराखंड की मिठाई, मतलब मीठी रोटी होती है, जैसे यहाँ पे पूरन पोली होती है महाराष्ट्र में, वैसे हमारे यहाँ पे छोला रोटी होती है। पहले भी दिखा चुका हूँ क्योंकि अब अरे इसलिए ऑडियंस बढ़ती जा रही है ना, तो उसके हिसाब से नए ऑडियंस को पता होना चाहिए, पीछे का वीडियो तो देख नहीं रहे मेरा। टीना कह रही कितनी बार दिखा रहा है भाई, जब जब थोड़ा थोड़ा तो दिखाना ही पड़ता है ना भाई। सो अभी नाश्ते में आज ये बना रही है मेरे को फटाफट, मैं निकल के खा के ऐसे निकलता हूँ। इवनिंग एवरीबडी, हम जा रहे हैं मंथली ग्रॉसरी लेने के लिए। देखिए मौसम एकदम मस्त हो रहा है, बारिश भी आ रही है, बादल भी आ रहे हैं, और यहाँ पे मेट्रो का काम भी चल रहा है। ये मेट्रो जिस दिन चल जाएगी ना उस दिन मज़ा आ जाएंगे, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये तो पहाड़ी एरिया मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, अब यहाँ पे भी पहाड़ वहाड़ हैं तो बहुत अच्छा लगता है देख के, क्यों भाई? ये अच्छा, ये वाला गांव देखो ना, ये भी एक इंद्रयानी है, पता नहीं ये भी मोटा ही है, मोटा है ना, इससे भी बड़ा होगा। तो राशन हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो मौसम तो गजब का ही हो गया है फिलहाल, तो तीनों ने ले लिए डार्क चॉकलेट, डार्क है, डार्क तो नहीं डेरी मिल्क है। यहीं खड़े हो जाओ, पूरा मौसम एकदम जबरदस्त हो गया है। रैम्बो सल्यूट, गुड बॉय, गुड बॉय, लेके आओ भाई, अभी सल्यूट किया है, लेके आओ, लेके आओ, देते हैं अभी, रुको रुको तुम्हारी ट्रीट देते हैं, वेट वेट, अरे वेट, सल्यूट, गुड बॉय, गुड बॉय।
गुड बॉय, ये सैल्यूट है, बहुत चालू वो लड़का, ये अब ऐसे ही रहेगा जब तक इसको पूरा मिलेगा नहीं, ये उसका सैल्यूट का पोस्चर है। अप, वेरी गुड, गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक, सैल्यूट, गुड बॉय गुड बॉय गुड। देखो रिवॉर्ड सबको चाहिए आज की डेट में भाई, बिना रिवॉर्ड के कोई काम ही नहीं करता, रिवॉर्ड जरूरी है, इंसान हो या चाहे जानवर, हाँ भाई बिना रिवार्ड के हम काम नहीं करते हैं। चलो अप 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 अप, अब नहीं सुनेगा लग रहा, अप अप, ऐसे रहना, होल्ड 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 होल्ड, हो उत्तरी का, अच्छा तूने ऐसे छीना मेरे हाथ से, अब ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बदमाशी कर गया तू, बदमाशी, से सॉरी सॉरी किसको सिखाना, अब ये झटके से लेने के मूड में, वेट, ओ भाई साहब, चाय, इवनिंग चाय क्या खाएंगे, पेट भर रखा, क्या खाना, आज स्विमिंग, अच्छा यार आज उधर जा रखे हैं सारे लोग, चक्कर क्या है, अच्छा पानी साफ नहीं है इसके लिए, जिधर जिधर साफ हो रहा है वहाँ वहाँ पहुँच जा रहे बच्चे लोग, आज नीचे वाले में भी गए हुए, साइड वाले में भी गए, इस वाले को साफ नहीं, कल वीर का मैच है तो कल उसने बड़ा रिक्वेस्ट क्या बोल रहा था काफी दिन से जलने के लिए, तो कल उसका एक मैच है, सुबह सुबह जाएंगे, जाना है हमको एरोली वाली, एरोली में एक जगह है वहाँ जाना है, कैप्टनशिप भी शायद वही कर रहा है, देन ओपनिंग भी वही करेगा, विकेट कीपिंग भी वही कर रहा है, तो लेट्स सी कल कैसा परफॉर्म करता है, तो नाना जी भी आ रखे हैं उसके, वो भी कह रहे हैं मैं भी जाऊँगा, उनको भी लेके जाते हैं, देखते हैं, गर्मी बहुत है बट ये की गारंटी है, हैं टोपी वगैरह लेके जाना पड़ेगा, पानी और नाश्ता कॉर्नफ्लेक्स खा के चले जाएंगे, कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे फिर वहीं देखते हैं बाहर में, वहाँ बाहर वैसे मिलता भी नहीं, उसमें दूर जाना पड़ता है खाने के लिए, वो इस साइड में ना अंदर की तरफ मिलता है, नहीं रास्ता देखते हैं, बच्चों के लिए, बच्चे के लिए इसके लिए बनाना पड़ेगा, वीर के लिए सैंडविच वगैरह, वो देखो आदि बीच से हाथ हिला रहा है, आदि हाथ हिलाओ हिलाओ हाथी, आदि ऊपर देखो, आदि को मेरी आवाज़ आ रही है, गधा अभी दिख नहीं रहा है, कल उसका मैच है, वहाँ देख लिया देख लिया, यस यही है जो हाथ हिला रहा है, इनफैक्ट कल आदि का भी मैच है, आदि का कल वॉलीबॉल का मैच है, वॉलीबॉल है बास्केटबॉल है नहीं वॉलीबॉल वॉलीबॉल का मैच है, वो भी उसका भी मैच है, वीर का भी मैच है, देखे दोनों शेर हमारे क्या करते हैं कल, ये खिलाओ पिताजी को, ये क्या है, कब खाया तू, पता नहीं क्या क्या खिलाते रहे थे पापा को यार, कब ये टी शर्ट कब लाए भाई, जबरदस्त लग रही है टी शर्ट, बहुत दिनों बाद पहनी, पहली बार पहनी मेरे को लग रहा आके, मैं तो आज देख रहा हूँ, मैं तो आज देख रहा हूँ, नहीं मैचिंग कर रही है, मैचिंग कर रही है, अच्छी लग रही है, इसको सुलाने के देखो, चलो सो जाओ नान, वीर क्या नाम है तेरा, थोड़ा बैठ के इसको ऐसे खींच के उसको खिला दे, ये देखो ये इसका बीर इसका गेम है, एक सही से पकड़ना, ये यहाँ से अपना फोर्स लगाता है, टग ऑफ वॉर हो गई, ये इधर से खींचेगा तो अपना खेल खेलता रहेगा, कल विराज का वैसे मैच है जैसे मैंने बताया, तो उसको सोना भी है, और ये जो शैतान है सोने नहीं दे रहा, इसको एक बार ये चीज हाथ में मिल जाती खेलने के लिए तो फिर वो खेलते रहता है, रैम्बो देखो देखो क्या फोर्स लगाता है भाई साहब, ये देखो, बट वीर का भी फोर्स कम नहीं है, टग ऑफ वॉर बिटवीन विराज एंड रैम्बो, रैम्बो भी अपना जोश पूरी तरीके से लगाते हुए, देखिए देखिए कौन कर सकता है, लाइट नहीं आ रही है, थोड़ा लाइट भी जला दिया जाए, और ये देख सकते हैं, और ये जबरदस्त तरीके से हैं, जब जबरदस्त तरीके से लगा रहे हैं रैम्बो, जो रैम्बो एक तरह से यहाँ पे भी देख रहा है वहां भी देख रहा है, लेकिन इसकी मजबूती आप देख सकते हो कितने मजबूत तरीके से पकड़ता है, तो फाइनली कौन जीत रहा है, 1 2 3 गो, भाई साहब देखो तुम अपनी हार नहीं मानता रैम्बो बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल हार नहीं मानेगा, इसके जबड़े में बहुत ज्यादा ताकत है, एनीवे ये टग ऑफ वॉर चलता रहेगा, इस ब्लॉग को मैं करता हूँ ये खत्म, क्योंकि कल का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, कल है विराज का मैच, आदि का मैच थोड़ा शायद आगे पीछे हुआ है,
बट विराज का मैच होने वाला है तो उसके लिए हम सुबह सुबह निकलने वाले हैं, 7:15 बजे निकलेंगे। 9:30 का मैच है, 9 बजे आई थिंक, 9 तो 9:30 बजे स्टार्ट होगा और हम लोग 2 बजे तक शायद वापस आ जाएंगे घर पे, होपफुली। सो कल बच्चे भी मिलेंगे तो आई एम श्योर दे आर एक्साइटेड। सब पूछ रहे हैं मेरे को, पूछ रहे हैं सब बच्चे। हाँ। सो बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अंकल आ रहे हैं तो व्लॉग भी लेंगे उनको, तो वो भी एक्साइटेड रहते हैं। आई डोंट नो कौन कौन मेरी गाड़ी में बैठ के जाएगा, बट ग्राउंड में तो पूरा फुल एक्साइटमेंट होने वाला है। चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं खत्म। बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चैन ऑफ लाइफ के साथ।